यार आपको भी अगर कुछ इस तरह के नागपुर स्टेटस या फिर खोरठा डीजे स्टेटस बनाना सीखना है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा, क्योंकि इस तरह का दोस्तों स्टेटस बनाने के लिए आपको बस 10 फोटो का जरूरत पड़ेगा, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप कुछ इस तरह का डीजे स्टेटस आप बना सकते हो। अब गाइस जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने काइंड मास्टर को ओपन करके रखा हूँ। अब आपको इस वाले न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। 9x16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइंड मास्टर एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। अब दोस्तों आपका लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको नीचे में एक एडिटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको इस वाले एडिटिंग के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिप, तो गाइस इसको आप कुछ इस प्रकार से घटा के आप यहाँ पे 0 पे आप कर दीजिएगा। कुछ इस तरह से कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके कर लेने के बाद दोस्तों जो आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपका जो फर्स्ट फोटो है उस वाली फोटो को सिलेक्शन कीजिएगा। इस तरह से गाइस आपको मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यूसली 10 फोटो को सिलेक्शन कर लेना होगा। मैं दोस्तों ये जो फोटो सिलेक्शन का काम है यहाँ पे तुरंत से कर ले रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुल 10 फोटो को सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब गाइस आप अपने दोनों हाथों की फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से गाइस आप अपने वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा। जूम कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों जो आपको फर्स्ट फोटो है उसमें गाइस आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं ऊपर में गाइस आपको यहाँ पर एक क्लिप ग्राफिक्स का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर गाइस सबसे पहले आप गेट मोर में चले जाइएगा। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो ये ग्राफिक्स दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले जो मैं आपको यहाँ पर ग्राफिक्स दिखाऊंगा, इस वाले ग्राफिक्स को आपको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल करके रखा है। तो गाइस मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक नंबर पे आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे एक नंबर पे आप सिलेक्शन करते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका जो फोटो है यहाँ पर इफेक्ट होगा। अब दोस्तों आपको एक फोटो को छोड़ के फिर से आपको तीसरे वाले फोटो में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर भी गाइस आपको क्लिप ग्राफिक्स को ओपन करके सेम उसी वाले ग्राफिक्स को ओपन करके दो नंबर पे आपको सिलेक्शन करना होगा। इस तरह से गाइस आपको एक एक फोटो को छोड़ते हुए जाना है। जाने के बाद दोस्तों ये जो ग्राफिक्स है इसको आपको अप्लाई कर देनी होगी। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एक फोटो को छोड़ के ये जो ग्राफिक्स है इसको अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आइएगा। आने के बाद दोस्तों आपका जो सेकंड फोटो है जहाँ पर आप कुछ भी ग्राफिक्स अप्लाई नहीं किए हो उसमें दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस अभी आपको क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से आपको गेट मोर में जाना होगा। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे स्प्लिट आउटपुट, तो गाइस इसको आपको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेनी है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल करके रखा है। अब गाइस मैं यहाँ पे एक नंबर पे सिलेक्शन करता हूँ। अब दोस्तों जो जो फोटो में आप यहाँ पे ग्राफिक्स अप्लाई नहीं किए हो, यानी एक एक फोटो को छोड़ के दोस्तों आपको जो स्प्लिट आउटपुट का जो ग्राफिक्स है इसको दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर देना होगा। जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप भी ये जो ग्राफिक्स है इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा अपने फोटो के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्प्लिट आउटपुट का जो ग्राफिक्स है एक एक फोटो को छोड़ के अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों अपना वीडियो को अगर आप प्ले करके आप देखते हो तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा। अब गाइस आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना फाइल को यहाँ पर एक बार एक्सपोर्ट करनी होगी। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ से बैक करके बाहर आइएगा। आने के बाद आपको इसी वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना है। 9x16 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करके अभी गाइस आपको यहाँ पे इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करके एक व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका ड्यूरेशन को बढ़ा के आपको 28 सेकंड के लिए आपको रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टेटस है 28 सेकंड का ही है। इसके बाद दोस्तों आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर इस स्टेटस एडिटिंग में जितने सारे वीडियो फोटो पीएनजी का जरूरत पड़ेगा हर चीज का मैंने लिंक दे के रखा है। आपको एक एक करके हर चीज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके सबसे पहले आपको जो ब्लू स्किन वाला वीडियो है उसको दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। उसके लिए गाइस आप इस वाले लेयर में आप क्लिक कीजिएगा, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन कीजिएगा और यहाँ से दोस्तों उस वाले वीडियो को आपको सिलेक्शन कर लेनी है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू स्किन वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा। कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ से बैक कीजिएगा।
बैक कर लेने के बाद आपको जो ब्लू स्किन है इसको गाइस यहाँ से रिमूव करना होगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको दोस्तों इस वाले कोरमाकी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर गाइस जो की कलर सिलेक्शन करना है, और गाइस आप पहले इस जगह पे सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद सिर्फ आपको ब्लू कलर को बढ़ा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे इनेबल करते हैं जो आपका पीछे का बैकग्राउंड यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। अब गाइस आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके जो फाइल दोस्तों आपने अभी अभी आप एक्सपोर्ट किए हो उस वाले फाइल को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा। कर लेने के बाद आप अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से इस जगह पे आप आइएगा। आने के बाद आपको इस वाले थ्री डॉट में क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बनाइएगा, और उस वाले डुप्लीकेट को दोस्तों पकड़ के कुछ इस प्रकार से इस जगह से आप ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे 28 डुप्लीकेट बनाना होगा। तो गाइस ये जो मेहनत का काम है यहाँ पर आप आराम से कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी मेहनत के बाद यहाँ पे मैंने 28 डुप्लीकेट बना लिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपका जो ब्लू स्किन वाला वीडियो है उसमें आपको क्लिक करना है, और इस वाले थ्री डॉट में क्लिक करके आप यहाँ पे बिंग टू फ्रंट में आप क्लिक कर दीजिएगा। कर देने के बाद दोस्तों आपका जो ऊपर का बैकग्राउंड है उसमें आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइस आपको जो व्हाइट दिख रहा होगा इस वाले व्हाइट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर गाइस सिर्फ आपको पहले आप इस जगह पे सिलेक्शन कीजिएगा, उसके बाद सिर्फ आप इसको ब्लू कलर को रहने दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर लेनी है। ओके कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके। दोस्तों अभी गाइस आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से जो लाइटिंग इफेक्ट वाला वीडियो डाउनलोड किए थे उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आप इस वाले वीडियो का जो ऑडियो है उसको आपको म्यूट कर लेनी है। म्यूट कर लेने के बाद दोस्तों आप इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लास्ट में चले जाइएगा, जहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्किन पे आपको सिलेक्शन कर देना होगा। कर देने के बाद दोस्तों आप फिर से आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो टेक्स्ट का PNG डाउनलोड किए थे उस वाले टेक्स्ट को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट का PNG है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे वीडियो के एंड तक कुछ इस प्रकार से कर देनी है। कर देने के बाद दोस्तों फिर से आप अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो बॉर्डर का PNG डाउनलोड किए थे उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन करनी होगी, और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा, और इसका भी ड्यूरेशन को दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बढ़ा के वीडियो के एंड तक कर देना है। लीजिए दोस्तों आपका जो DJ स्टेटस है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों फाइनली मैं आपको यहाँ पर एक बार वीडियो को प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान DJ स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का DJ स्टेटस आप बना सकते हो। अब आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बस अपना फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है।